पुलिस चौकी से चंद मीटर की दूरी पर काटी सर्राफ की दुकान। नेफा चौकी का मामला, पुलिस चौकी इंचार्ज रहे खनन की गाड़ियां चेक करने में व्यस्त, चोरों ने किए दुकानों पर हाथ साफ। नेफा पुलिस चौकी की पुलिस नहीं करती गश्त, पुलिस रहती खनन की गाड़ियों से धन उगाही में मस्त। सर्राफा की दुकान काटकर लाखों की चोरी, पुलिस चौकी से 500 मीटर की दूरी पर हाईवे किनारे स्थित सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। जिला मुरादाबाद थाना भगतपुर क्षेत्र की नेफा पुलिस चौकी का मामला। जिले का सबसे कमाऊ थाना बना भगतपुर, जब से खनन की गाड़ियों की निकासी भगतपुर थाना क्षेत्र से हो रही है। नेफा चौकी की पुलिस की पौ भारे हो गई है, 10 की 10 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में कहावत चरितार्थ हो रही है। बेपरवाह नेफा चौकी पुलिस सिर्फ खनन की गाड़ियों से कमाने में लगी हुई है। नेफा चौकी पर मौजूद कोई भी सिपाही गश्त में जाना पसंद नहीं करते। जब से प्रशासन ने राजस्व लेखभाल और पुलिस की जिम्मेदारी खनन की गाड़ियां चेक करने की दी है, अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार चौकी इंचार्ज खुद देखे जा सकते हैं। खनन की गाड़ियों को चेक करते हुए एक भी गाड़ी का ड्राइवर बिना माथा टेके दरबार का बैरिया पार नहीं कर सकता। उन्हें क्यों फिक्र होगी बाकी क्षेत्र की, चाहे उसमें चोरी हो या डकैती। नेफा चौकी क्षेत्र में ज्यादातर बाद रही है चुनौती छेड़छाड़ की वारदातें और चौकी पुलिस मस्त है। खनन पर अंकुश लगाकर अपनी जेब भरने में इसी का नतीजा है कि बीती रात सराफ की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम राठौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं काशीपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मेरी दुकान बुरहानपुर अलीगंज में है। किस नाम से है, किस चीज की दुकान है? सुनार की दुकान है। अच्छा, माँ वैष्णो देवी ज्वेलर्स। और ये बुरहानपुर में अलीगंज में जन लोक सेवा केंद्र के सामने है। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ कि सुबह हमारे पास फोन आया कि आपके दुकान का ताला टूटा हुआ है और यहाँ चोरी हो चुकी है। हम सुबह यहाँ पे आए, जो देखा कि दुकान में चोरी हो चुकी थी और ताले टूट चुके थे, और जो तिजोरी थी वो तिजोरी निकाल के चोर पीछे टावर के पास लेकर उसे खोलकर उसमें सारा सामान पहुँचा दी, निकाल के ले गए। कितना चोरों ने कितना माल ले गए? 6-7 किलो चांदी थी और 2.5 से 3 तोला सोना था और 11-13 हजार के आसपास कैश था। सारा कितना नुकसान हुआ है आपका? 8-9 लाख के आसपास नुकसान हुआ है हमारा। तो आपने कोई तहरीर वगैरह दी किसी को? हाँ, तहरीर हमने किसको दी है और एफआईआर लिखवाई है, चौकी में भी दी है और भरतपुर थाना में भी दी है तहरीर हमने।